धामपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सातवें एवं अंतिम दिन धामपुर के शिवाजी पार्क में उप जिलाधिकारी धामपुर मनोज कुमार सिंह के द्वारा फीता काटकर योग दिवस का किया गया शुभारंभ। योग कराने पर प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मान। जनपद बिजनौर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रिजर्व पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में आयोजित भव्य योगाभ्यास कार्यक्रम में पुलिस कर्मियों के साथ किया गया योगाभ्यास। गोरक्षक नाथ मंदिर के स्मृति भवन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया योगाभ्यास। योगी आदित्यनाथ ने कहा, अपने जीवन में योग अवश्य अपनाएं, स्वास्थ्य शरीर के लिए योग है जरूरी। धामपुर में नगीना लोकसभा क्षेत्र के पूर्व भाजपा सांसद डॉक्टर यशवंत सिंह ने समर मेले का किया दौरा। पूर्व सांसद ने मेले में लगे विभिन्न प्रकार के स्टॉल का निरीक्षण कर सभी स्टॉलों की सराहना। बिजनौर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नेहरू स्टेडियम बिजनौर में जिला पंचायत अध्यक्ष, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी के साथ अन्य अधिकारीगण एवं गणमान्य नागरिकों ने योगाभ्यास करते हुए शारीरिक व मानसिक विकास के लिए योग की महत्ता का जिलेवासियों को दिया संदेश। बिजनौर के रेहड़ इलाके में टेम्पो और बाइक की आपस में हुई जोरदार टक्कर लगने से एक महिला की दर्दनाक मौत, 7 लोग हुए घायल। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में कराया गया भर्ती। जनपद अमरोहा के हसनपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, तहसील परिसर, कोतवाली परिसर सहित अन्य स्थानों पर लगाया गया शिविर। एसडीएम, तहसीलदार, सीओ, कोतवाल सहित नगर के गणमान्य नागरिकों, चिकित्सा कर्मियों तथा भाजपाइयों ने बढ़ चढ़ कर किया प्रतिभाग। अमरोहा में पुलिस ने कार से जानलेवा स्टंट करने वाले आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। आरोपी युवक ने लगभग एक सप्ताह पूर्व दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर थार कार को बीच हाईवे पर कई राउंड घुमाते हुए कर रखा था जानलेवा स्टंट, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी हुआ था वायरल। चांदपुर नगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर योग कक्षाओं का आयोजन कर मनाया गया योग दिवस। योग शिक्षकों ने योग आसन प्राणायाम के माध्यम से रोगों का निदान करने का बताया तरीका। झालू में हल्दौर थाना अध्यक्ष श्यामवीर सिंह ने अपने स्टाफ के साथ नेहटोर तिराहे पर चलाया सघन चेकिंग अभियान। दर्जनों वाहनों के चालान कर नियम विरुद्ध गाड़ी चला रहे चालकों को दी नसीहत। बिजनौर के रेहड़ इलाके में खेलते समय पानी से भरी बाल्टी में 1.5 वर्षीय बच्चे की डूबने से हुई दर्दनाक मौत। बच्चे की मौत से परिवार में मचा कोहराम। परिजनों ने बिना पुलिस कार्रवाई के बच्चे का करा दिया अंतिम संस्कार। संभल में निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद पालिका बोर्ड की बैठक हुई आयोजित। बैठक में जलभराव, टूटी सड़क, लीकेज पाइप लाइन और जल निगम के कार्यों का हुआ विरोध। अफजलगढ़ पुलिस ने 3 गो तस्करों को बद के लिए ले जा रहे 2 गोवंश के साथ धर दबोचा। पकड़े गए आरोपियों ने क्षेत्र से 25 भैंसे चोरी करना किया कबूल। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कौन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल,